कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर मंगलवार मध्य रात्रि से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। बिहार में ये लॉकडाउन बीते 23 मार्च से ही लागू है। दरअसल इसका मकसद है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक दूसरे में न फैले। हालांकि सरकार की इस कवायद को कई जगहों पर लोग नाकाम करते भी नजर आते हैं। ऐसे में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी लोगों से अनुशासन के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए घरों में ही रहने की अपील की है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ठेठ भोजपुरी में अपनी बात रखते हुए उन्होंने लिखा, याद रखिए अनुशासन की कमी बहुत घातक हुई, रउआ लोगन के सहयोग अपेक्षित बा। हाथ जोड़ के विनती करल बानी, घरे रही बाहर मत निकली। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक माह का वेतन भी दिया है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि इस आपदा में बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करें और मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि दान दें। राबड़ी देवी ने अपने ट्वीट पर लिखा, कोरोना महामारी से लड़ने में पीड़ितों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों के बचाव, सुरक्षा एवं जांच उपचार हेतु मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा करती हूँ। साथ ही मुश्किल समय में सभी से सहयोग की अपील करती हूँ। बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी देशवासियों से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की दिशा में हम सब का पहला कदम यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के बाहर कदम ना रखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।